Assalamualaikum, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीज़ा अली और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जनाब, आज का व्लॉग जो होने वाला है बहुत मज़े का होने वाला है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा। तो जनाब, आज के व्लॉग में हम लोग करेंगे शॉपिंग। ये शॉपिंग व्लॉग होने वाला है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझसे वादा किया था बर्थडे के ऊपर कि मुझे शॉपिंग करवा के लाएंगे। तो खाना तो उन्होंने खिलवा दिया था, मगर यह है कि अब शॉपिंग करवाएंगे, और दो दिन उनके पास टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा कि ना, आगे से वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है मेरी, तो फिर जो है ना हम लोग उस दिन के लिए शॉपिंग कर देंगे। 14 को जो है ना, 14 जून को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आती है, तो फिर जो है ना हमने कहा क्यों ना, अब ईद भी आ रही है तो साथ में ही हम लोग बच्चों की शॉपिंग भी कर लेते हैं। तो इसीलिए जो है ना, आज हम लोग जा रहे हैं बाहर और आप लोगों ने रहना है हमारे साथ ताकि आप लोग भी इंजॉय कर सकें शॉपिंग हमारी। और जो है ना, पीछे का जो नज़ारा है ना इस तरह का हुआ है, इसके ऊपर ना आप लोगों ने बहुत दिल पे नहीं लेना क्योंकि हम लोग अक्सर जो है ना कपड़े वगैरह धोते हैं। आज हमारा फुल लॉन्ड्री डे हुआ था क्योंकि आज मेरी काम वाली बंदी नहीं आई थी, ठीक है। तो फिर मैंने लगा लिए थे कपड़े, मैंने कहा आ जाएगी तो वो धो लेगी, तो आजकल लाइट का भी इशू बना हुआ ना इसलिए। तो फिर ना मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ मिलके आज काम करवाया, आज पूरा दिन जो है ना हम लोगों ने कपड़े धोए हैं। और हमारी बैल्कनी क्योंकि छोटी सी है तो फिर ना कपड़े हम लोग इस तरह जो है ना खिड़कियों दीवारों पर लटका देते हैं, ठीक है, ताकि सूख जाए, ठीक है। तो इसको ज़्यादा आप लोगों ने नोटिस नहीं करना, ठीक है। तो अब हम लोग आप लोगों को लेके चलेंगे, और यहाँ पे मेरी नन्नी मुन्नी हेलो कर रही है आप लोगों को। और इसका भी ना मैंने अभी बाल बनाना है क्योंकि इसके बाल ऐसे एकदम फटे हुए हैं। हाँ, मेकअप भी करेंगी है क्योंकि इनकी अम्मा ने किया है। मैंने तो खैर शॉर्ट्स के चक्कर में, जो यूट्यूब शॉर्ट्स होती हैं उनके चक्कर में मैंने जो है ना आज वो मेकअप किया हुआ था, और बाहर भी जाना था उस वजह से। और यहाँ पर मेरा बेटा रेडी हो गया, कॉलर नीचे करो शाबाश, एकदम फुल रेडी हो जाओ। यहाँ पर जो है ना हमारे मियाँ साहब जो हैं रेडी हो गए, हाँ रेडी हो गए, और हमारा नन्ना मुन्ना भी रेडी हो गया है, और ये सब बच्चे जो है ना हमारे रेडी हो गए। अब हम लोग निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलें, आप लोग भी हमारे साथ बने रहिएगा, फिर मिलेंगे बाहर मॉल में। अब हम लोग घर से बाहर आ चुके हैं, और अब मैं अपने ब्लॉग को करूँगी वॉइस ओवर क्योंकि मैं बाहर आकर जितना भी चिल्ला लूँ मेरी आवाज़ आप लोगों तक बिल्कुल नहीं आनी। यहाँ से जा रही थी ट्रेन, हस्बैंड ने बोला कि ना ट्रेन के मुसाफरों को भी हम लोग ले आते हैं अपने ब्लॉग में, तो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा शूट कर लिया। और लग रही थी हमें बहुत तेज़ भूख, और यहाँ पे हम लोग चिप्स खा रहे हैं। मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ खा लो भाई, मगर वो ऐसे कह रहे हैं कि खुद खा रही है, मुझे दे रही। मैंने कहा भाई आपको ही दे रही हूँ, आप खा लो। तो यहाँ पे ना हमारा ये फेवरेट पॉइंट है चिप्स वालों का, क्योंकि हम जब भी जाते हैं ना मॉल तो हम रास्ते में से खा के जाते हैं। और अभी तो लग भी बहुत ज़्यादा भूख रही थी, और आज का मौसम जो था ना वो बहुत ज़्यादा गर्म था। शाम के टाइम भी ऐसे लग रहा था जैसे दिन का टाइम चढ़ा हुआ है, और बहुत ही गर्मी लग रही थी। यहाँ पर हमारा प्यारा सा लकीमन मॉल, और यहाँ पर हम लोग जो है ना एंटर हो रहे हैं। यहाँ पर मैं काफ़ी शाय फील कर रही थी क्योंकि स्टार्टिंग है ना, नया नया ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, ब्लॉगिंग स्टार्ट की है नई नई, तो इसलिए मुझे ज़रा शर्म आ रही थी। हस्बैंड ने बोला नहीं नहीं तुम बिंदास होकर बनाओ, कोई मसला ही नहीं है। मैंने कहा चलो आप मेरा शूट कर लो, मुझे ना अभी ज़रा शर्म आती है क्योंकि बाहर लोग देखते हैं इस तरह। कोई बात नहीं, जब मेरी फैमिली यूट्यूब फैमिली जो है ना वो थोड़ी सारी बढ़ जाएगी, ग्रो कर जाएगी, तो मैं बिंदास होकर भी बना लिया करूँगी। तो यहाँ पे ना अबिया छुपन छुपाई खेल रही थी, और यहाँ पे हम लोग एलिवेटर पे चढ़ गए हैं। और अबिया मुझे बहुत पजल कर देती है, जब भी मैं इसका हाथ पकड़ के करती हूँ तो ये ऐसे करती है जैसे अभी पाँव रखेगी नहीं रखेगी नहीं रखेगी या रखेगी, तो इस चक्कर में मैं भी बहुत पजल हो रही थी। तो मियाँ कह रहे थे कि तक्की का मुँह जो है ना छुपा दो, मगर मैं तक्की साहब जो है ना वो अपना मुँह दिखाना चाह रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना इसका भी फेस रिवील कर दिया जाए इस ब्लॉग के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर ना अपनी पसंद के ब्रांड्स ढूंढ रहे थे, मगर उससे पहले ना मियाँ ने बोला यहाँ पे जो है ना ज़रा लकी वन का शशका जो है वो भी दिखा दिया जाए। तो मैंने कहा चलो क्यों ना आप लोग ये लटके हुए शेख भी दिखा लो। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे बीच ट्री पे क्योंकि ऑनलाइन मैंने इनकी कुछ शर्ट्स वगैरह देखी थी, अब बीहा के लिए मैं सोच रही थी घर में खुद ही स्टिच करूँ, तो यहाँ पर मैंने जाके देखा, मगर मुझे शर्ट जो है ना वो लाइव मुझे ख़ास पसंद नहीं आई क्योंकि उस शर्ट का प्रिंट जो है ना वो बड़ों के ऊपर तो अच्छा लग सकता था, मगर बच्ची के लिहाज से ना बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था, तो इसलिए मैंने वो शर्ट नहीं ली। काफ़ी देर यहाँ पे मैं सर्च करती रही कि हो सकता है मुझे कोई अच्छा सा सूट पसंद आ जाए, मगर मुझे ख़ास कोई पसंद नहीं आया। तो फिर हम लोगों ने ज़ेलबरी की राह ली। ज़ेलबरी वालों ने ना यहाँ पर बच्चों के लिए कॉर्नर सा बनाया हुआ है, यहाँ पर खेलने के लिए वीडियो गेम्स वगैरह रखी हुई हैं, तो बच्चे जो है ना इस जगह लग जाते हैं अपने आ रहे, तो हम जो है ना फिर आराम से शॉपिंग कर लेते हैं। और ज़ेलबरी वालों के प्राइस वगैरह भी बहुत अच्छे होते हैं, रीज़नेबल होते हैं। तो यहाँ पे ये सूट मुझे पसंद आया था तो मैं ट्राई करने गई थी। बच्चे मेरे ज़ेलबरी पर जाकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि यहाँ पे इनके खेल कूद का इंतज़ाम होता था। जब भी जाओ ना मॉल के ये लोग ज़रूर कहते हैं कि मामा आप ज़ेलबरी पे ज़रूर जाइएगा, यहाँ से शॉपिंग कीजिएगा। तो अब मैं जो ना अपना शॉपिंग वगैरह कर रही होती हूँ और ये लोग यहाँ पे खेल रहे होते हैं, और यहाँ पे ऐसे बंदरों की तरह लटक रहे होते हैं, कभी ऊपर चढ़ रहे होते हैं, तो इनके लिए काफ़ी एक्टिविटी हो जाती है। जब मैं घर से निकली थी ना तो मैंने अपने दिमाग में यही प्लान बनाया हुआ था कि भाई आज तो मैं सारी शॉपिंग कंप्लीट करके आऊँगी बच्चों की, अपनी, हस्बैंड की, क्योंकि ईद आने वाली है तो बार बार जो है ना मुझसे मॉल वगैरह के चक्कर नहीं लगाए जाते, तो मैं जो हूँ ना बिल्कुल कंप्लीट शॉपिंग करके आऊँगी आज। मगर हुआ क्या कि मुझे मर मर के एक सूट पसंद आया,
और कोई ख़ास सेल वगैरह लगी हुई थी, मगर उनमें सेलों में तो बिल्कुल ख़ास कुछ होता ही नहीं है। मतलब कपड़े वो ऐसे लटका लटका के ना उन्होंने कपड़ों की क्वालिटी बिल्कुल पूरी की होती है कि मतलब जिसको हाथ लगाओ ना इस तरह लग रहा होता है कि अभी बस इसकी जान निकलने वाली है कपड़े की। तो इस वजह से ना फिर मुझे ख़ास कुछ सेल वगैरह में से पसंद नहीं आया, तो मैंने ना अल्लाह अल्लाह करके ज़ेलबरी से एक सूट ख़रीदा। यहाँ पर ना मेरे बच्चे टाप टाप के खेल रहे हैं, और बच्चे तो बच्चे यहाँ पर आपको नज़र आएगा, आगे इनके अब्बा भी लगे हुए होंगे गेम खेलने। अब यहाँ पे मैं कह रही थी हस्बैंड को चलो ऊपर जाना है, इनके चक्कर लगाते हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है कुछ तो आप भी अपने लिए ख़रीद लो। यहाँ पे हम लोग ऊपर गए, मैंने हस्बैंड को बोला कि आप अपने लिए भी देख लो, मगर उन्होंने कहा नहीं पहले आप अपने लिए देखो और बच्चों के लिए कर लो, बाद में मैं अपना कर लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम लोग नीचे की तरफ चले गए और मैंने जो है ना एक अदर सूट लिया हुआ था उसकी बिलिंग करवानी थी, और साथ ही ना इन्होंने नए ट्यूनिक लॉन्च की है, तो मैंने कहा ये देखो ये मुझे कैसे लगेंगे। तो हस्बैंड ने बोला नहीं 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 ये तुम पे अच्छे नहीं लगेंगे, अजीब से लगेंगे। क्योंकि मैं ना अपनी ज़्यादातर शॉपिंग जो है अपने हस्बैंड से पूछ के करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझ पर क्या अच्छा लगता है इसका ज़्यादातर जो है ना मेरे हस्बैंड को पता है, तो इसलिए मैं हर शॉपिंग उनसे पूछ के करती हूँ। यहाँ पर हस्बैंड जो है वो बच्चे के साथ बच्चा बन गए, यहाँ पर वो लोग खेल रहे हैं, मैं उनको बोल रही हूँ बस कर दें यार, चलते हैं चलते हैं चलते हैं, मगर वो कह रहे नहीं लास्ट राउंड होने तो फिर चलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है ना मैं एक अदर शॉपिंग बैग और एक अदर सूट बीच में डाल के मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ख़ास कुछ पसंद नहीं आया था। तो फिर ना यहाँ पे बच्चों ने बोला भाई हमें वॉशरूम आया है, उनको वॉशरूम वगैरह से फारिग करवा के, तो फिर ना हम लोग यहाँ पे जो है ना जे डॉट की तरफ आए थे, यहाँ पे सेल लगी हुई थी, मगर मुझे ख़ास कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि इन्होंने सेल्स वगैरह ना जब लगाते हैं ना तो कपड़े का बुरा हाल हुआ होता है, तो ख़ास मुझे कुछ पसंद नहीं आया था। तो फिर मैंने यहाँ से कुछ ख़रीदारी नहीं की, क्योंकि मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे कुछ पसंद आ जाए अबीहा के लिए या अपने लिए, मगर ख़ास कुछ ना मज़ेदारी नहीं लगी। मॉल वगैरह में जाके ना टाइम का पता ही नहीं चलता है, सांस ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, बाहर निकला तो पता चलता है कि अभी आधी रात हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं सूट वगैरह देख रही थी कि मुझे कुछ पसंद आ जाए समझ आ जाए, मगर नहीं, क्योंकि जे रोड के ऊपर ना बहुत भीड़ थी, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, समझ ही कुछ नहीं आ रहा था क्या लें। फिर अल्लाह अल्लाह करके बच्चा पार्टी की तरफ गए हम लोग, मैंने कहा चलो यहाँ से बच्चों की शॉपिंग कर लेते हैं, मगर बच्चों का भी ख़ास कुछ पसंद नहीं आया। फिर हम लोग जो है ना उन्होंने क्योंकि मना किया हुआ था अंदर आप लोग जो है ना शूट नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों, शायद वो समझते हैं कि हम शायद उनके डिज़ाइन कॉपी ना कर लें। ठीक है, यहाँ पर जो है ना बच्चे कह रहे थे कि अभी हम लोगों ने ना कहीं और जाना है, मैं सोच रही थी क्योंकि ना चेज़ा वैल्यू सेंटर चलते हैं वहाँ से जो है ना कर लेते हैं, मगर बाहर निकल के पता चला कि टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर बच्चों मेरे का मुँह बना हुआ था कि मामा ने अपने लिए सूट ले लिया और हमारे लिए तो कुछ लिया ही नहीं, मगर ना फिर इनका मुँह सेट करने के लिए ना इनके बाबा ने इनको बाहर से खाना खिलाया क्योंकि लेट बहुत हो गए हुए थे। तो यहाँ पे से ना हम लोग फिर घर जा रहे थे, और यहाँ पे हस्बैंड ने खुश थे मेरे, चलो जी कोई नहीं वाइफ ने कुछ तो ले ही लिया। ठीक है, मगर बच्चों का जो है ना वो मुँह बना हुआ था, वो कह रहे थे हमारे लिए कोई शॉपिंग नहीं की आपने, मैंने कहा कोई नहीं ठंड रखो मसला ही कोई नहीं है फिर ले लेंगे। तो यहाँ पे ना हम लोग लिफ्ट की तरफ जा रहे थे, फिर हम लोगों ने बाहर जाके जो है ना वो खाना खाया, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।